नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 23 सितंबर 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारे पास में आज जो इश्यूज हैं उनमें सबसे पहला तो देखेंगे कि टीवी चैनल्स है किस तरीके से हेट स्पीच को प्रमोट करते हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लताड़ लगाई गई है उनको, ठीक है। और दूसरा, गवर्नमेंट से ये कहा गया है कि आप लॉ जल्दी से लेकर के आओ जिससे कि रेगुलेशन हो सके हेट स्पीच का, तो उससे रिलेटेड कंसर्न्स हैं एडिटर के, वो समझेंगे। दूसरा कि सीबीआई, सीवीसी इनकी बात करें तो करप्शन से रिलेटेड केसेस या कोई भी इन्वेस्टिगेशन करना हो केस को, तो सीबीआई और ईडी हो या ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडेंस के बेसिस पे काम करती है। तो बोलो उनको फ्री करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो राइटर जो हैं वो लगभग 7-8 सजेशंस दे रहे हैं कैसे इंडिपेंडेंस इंश्योर की जा सकती है सीबीआई और ईडी की। और लास्ट में हम देखेंगे जो चाइना में वीगर मुस्लिम्स हैं उनको लेकर के जो ह्यूमन राइट्स के एलिगेशंस लगते रहते हैं चाइना पे, और चाइना उनको बार बार डिस्कार्ड करता रहता है कि नहीं हम नहीं करते, हम नहीं करते, ये तो हमारे खिलाफ में कॉन्स्पिरेसी है, तो उस मुद्दे को एक बार हम देखेंगे। तो 3 इशूज़ हैं और बाकी जितने भी हैं उनको हम संडे को कवर कर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट आर्टिकल है प्रॉफिट इन हेट। कल हमने देख लिया था, देखो ये न्यूज़ थी फ्रंट पेज पे, टॉप न्यूज़ थी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस की बेंच, ठीक है, KM जोसेफ और इधर देख सकते हो ऋषिकेश रॉय, तो इनके द्वारा एक चीज़ हाईलाइट की गई है, वो ये कि अभी मीडिया हाउसेस, टीवी चैनल्स की बात करें तो वहाँ पर हेट स्पीच का वो बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, पर्टिकुलरली तब जब डिबेट ऑर्गेनाइज किया जाता है, हिंदू मुस्लिम इशू को हाईलाइट किया जाता है, और वहाँ पर वो दोनों पक्ष एक दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, ओके। और वहाँ पर पीछे से क्राउड जो है वो चीयर करती है और एंकर जो है वो प्रोवोक करते हैं कि इंस्टिगेट करते हैं, भड़काने की कोशिश करते हैं। बोल इस तरीके के सिनेरियो बहुत देखने को मिल रहे हैं आजकल टीवी पे, और इन टीवी क्लिप्स को बहुत ज़्यादा कट कर करके और यूट्यूब पे भी बहुत ज़्यादा प्रमोशन मिलता है, बाकी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे भी। तो सवाल ये है कि जो हेट स्पीच है ना, इसका प्रमोशन प्रॉफिट के लिए लगातार किया जा रहा है पैसा कमाने के चक्कर में टीवीज़ के द्वारा, क्योंकि जो गर्मा गर्म मसालेदार न्यूज़ होती है उसको प्रमोट करना, गर्मा गर्म मसालेदार जो चीज़ें होती हैं उनको ज़्यादा दिखा करके टीवी अपनी TRP राइज करते हैं टीवी चैनल्स। अल्टीमेटली सोशल कॉम्पैक्ट, हमारी सोसाइटी का जो फैब्रिक है उसको इरोड करते हैं और सोसाइटी में डिविज़न बढ़ाते हैं। इस चीज़ को हाईलाइट किया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब देखो जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बात कही गई है उसमें एडिटर का ये कहना है कि वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को हमें समझना होगा, क्योंकि हेट स्पीच जो है उसको प्रमोट करने में, हेट स्पीच को क्रिएट करने में जो इकोसिस्टम तैयार होता है पूरा, एक एनवायरमेंटल माहौल जो बनता है, ठीक है, जब लोगों के दिमाग में एक चीज़ सेट हो जाती है कि हाँ जी हमें नेगेटिव ही सोचना है, उस तरीके का जब माहौल बनता है, तो उसको अगर टैकल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से ये कहे कि भाई जिस तरीके से विशाखा गाइडलाइंस को फॉलो किया गया था सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस को रोकने के लिए, एग्जैक्टली उसी लाइन पे अब इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट जो है वो गाइडलाइन इशू कर रहा है और उन गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा टीवी चैनल्स को। और ये भी कहा है ये गाइडलाइंस तब तक फॉलो की जाएगी टीवी चैनल्स के द्वारा जब तक कि स्टेट, दैट मीन्स गवर्नमेंट जो है वो प्रॉपर लेजिस्लेशन ना लेकर के आ जाए, कोई कानून ना लेकर के आ जाए। अब यहीं से जो है वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। कैसे, देखो आर्टिकल 19 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 19 है वो फंडामेंटल राइट्स के अंडर में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को प्रमोट करता है, और उसी के अंडर में जो मीडिया को फ्रीडम मिलती है, मीडिया हाउसेस को अपना काम करने का, क्योंकि डेमोक्रेसी में 4th पिलर है मीडिया, ठीक है। 3 पिलर तो आप जानते हो, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, और 4th पिलर आ गया आपका मीडिया। तो 4th पिलर को पावर कहाँ से मिलती है, आर्टिकल 19 के अंडर में, जहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच को सेफगार्ड किया हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कई केसेस में कहा है, जैसे कि यहाँ पर आप देखो रोमेश थापर वर्सेज स्टेट ऑफ मद्रास 1950, श्रेया सिंगल वर्सेज स्टेट ऑफ इंडिया 2015, इसमें साफ साफ क्या बोला गया है कि गवर्नमेंट, स्टेट की जो ओवररीच है, वो ओवररीच का मतलब स्टेट का ओवर एक्टिवेट होना, ठीक है, कोई भी लेजिस्लेशन, कोई भी ऑर्डर डिक्लेयर करके, और मीडिया हाउसेस को अगर रोकने की कोशिश की जाए, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई अपनी स्पीच को एक्सप्रेस कर रहा हो या कुछ और कर रहा हो, तो उसको इंटरवेंशन कंसिडर करते हुए, और ये कहा कि भाई यहाँ पर स्टेट को ओवररीच नहीं करनी चाहिए,
तो सवाल यही तो है ना कि अभी हेट स्पीच का कंटेंट टेलीविज़न पे अगर आ रहा है, उसको रेगुलेट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट अगर गवर्नमेंट को ये कहता है कि आप जल्दी से जल्दी लेजिस्लेशन लेकर के आओ और इस हेट स्पीच के मुद्दे को रेगुलेट करो, तो इसमें तो सुप्रीम कोर्ट अपने प्रीवियस वर्डिक्ट से बिल्कुल एक तरीके से दूर जा रहा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले क्या कहा, आर्टिकल 19 प्रोटेक्टेड रहना चाहिए, है ना, एक इंडिविजुअल को या मीडिया हाउसेस को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अवेलेबल है। तो उस केस में आप इस तरीके से रेगुलेशन लाने की बात करो और वो भी कौन लेकर के आएगा, स्टेट, दैट मींस गवर्नमेंट, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा। और फिर स्टेट तो फिर आज तो आप हेट स्पीच के नाम पर कोई भी चीज़ ये बोल रहे हो कि हाँ जी हेट स्पीच को रेगुलेट करने के लिए लॉ लेकर के आओ, उसका मिसयूज कितना हो सकता है स्टेट के द्वारा, वो भी तो हमें एक बार ऑब्जर्व करना पड़ेगा ना। फिर तो हेट स्पीच की अगर कोई प्रॉपर डेफिनेशन ही नहीं होगी तो सरकार तो अपने हिसाब से जो भी रूल्स डिक्लेयर करेगी उनमें हेट स्पीच किसी को भी कंसिडर करके और फिर बाद में किसी को भी एक्सप्रेस करने का जो राइट है वो भी नहीं देगी। तो पॉइंट यहाँ पर ही आ रहा है कि ये जो बात कही गई है कि टीवी चैनल्स ने हेट स्पीच एक्सपेंड बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है, सोशल थ्रेड को वीक कर दिया है, डिवीज़न जो है सोसाइटी में बढ़ता चला जा रहा है, तो वो बोले सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं बहुत नैरो इंटरप्रीट कर रहा है हेट स्पीच वाले इस मुद्दे को, इसको थोड़ा थॉरली समझने की ज़रूरत है। अब देखो कोर्ट के द्वारा जो बातें बोली गई हैं उसमें सीधा ये है कि विजुअल मीडिया जो है वो चीफ मीडियम ऑफ हेट स्पीच बन रहा है, ये आपने समझ ही लिया। और अभी दिमाग इस पे लगाया जा रहा है कि हेट स्पीच से वो TRP गेन करता है, TRP से उनको प्रॉफिट बनता है, इस पे दिमाग लगा रहे हैं। चलो जी ठीक है, पर एक बार हमें समझना होगा कि आज के टाइम पे जो भी टीवी न्यूज़ चैनल्स की बात करें वो अगर थ्राइव कर रहे हैं तो हम भी नोटिस करते हैं कि वाकई में हेट स्पीच को तो बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, दो सेक्शन ऑफ सोसाइटी को ला करके बिठा दिया जाता है, डिबेट करवा दिया जाता है। ठीक है, वो बात अलग है कि उनको डिबेट जब करवाया जाता है तो उनको भी कुछ ना कुछ मतलब टाइम देने के लिए पैसा भी मिलता ही है डेफिनेटली, जो लोग भी वहाँ पे डिबेट के लिए आते हैं या फिर जो अपने अपने काम को वहाँ पे प्रमोट करते हैं। इसके अलावा जो एंकर्स होते हैं जो उस शो को रन कराते हैं वो देखो पेड एम्प्लॉय होते हैं, वो लोग भी वहाँ पे रन कराते हैं, तो एक बार वो भी तो सोचो कि वो लोग पेट भरने के लिए काम करना पड़ता है उनको। बोलते हैं ना कि क्रिटिक्स होते हैं ना, क्रिटिसिज्म होता है देखो कोई भी चीज़ का, तब हम बोलते हैं कि यार इसमें भी कमी निकाल दी, मतलब कोई भी मुद्दा आ गया उसमें भी कमी नहीं, क्रिटिक्स का काम क्या है, कमी निकालना, बता देना कि ये कमियां रह गई थी। तो अगर उन बंदों से जाकर के आप पूछोगे ना जो क्रिटिक्स हैं कि भाई तू कमियां ही क्यों ढूंढता है भाई, तो वो जवाब क्या मिलेगा वहाँ पे कि जी काम ही यही है, पेट कैसे भरेंगे अगर हम ये काम ही छोड़ देंगे। तो वो मुद्दा आ जाता है कि वो पेड एम्प्लॉयज़ होते हैं एंकर्स, अगर वो पेड काम नहीं करेंगे तो फिर अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसे चलेगी, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखने वाली बात है। पर यह बात भी सच है कि TRP गेन करने के लिए आप हेट स्पीच को प्रमोट करो और एंकर क्या उसी से पेट भर सकता है, कोई और तरीका नहीं है। तो राइटर बार बार एडिटर एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि भाई जब TRP गेन करने के लिए हेट स्पीच का यूज़ कर सकते हैं टीवी चैनल्स, तो उनको थोड़ा प्यार से भी समझाया जा सकता है, उनके लिए आप गाइडलाइंस स्मूथली भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, क्यों आप एकदम हार्श ट्रीटमेंट कर रहे हो। नहीं तो फिर बाद में स्टेट जो है वो फिर ओवर एक्सरसाइज कर लेगा पावर को, तो फिर वो तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 का जो लेटर एंड स्पिरिट है उसको किल कर देगा, तो वो ठीक नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो कि टीवी चैनल ही नहीं है जहां पर इस तरीके के वीडियोस रिलीज होते हैं, ट्विटर पे देखो, यूट्यूब पे देखो, क्लिपिंग निकाल निकाल के डाल देते हैं, और आप देखा करो इस तरीके की मतलब थंबनेल बनाते हैं कि बस क्लिक करने का मन ही करे कि ऐसा हुआ, मतलब एक्साइटमेंट पे चल रही है पूरी दुनिया। ठीक है, अगर सोशल मीडिया की बात करें, और वो एक्साइटमेंट अट्रैक्टिव हो जाता है तो आप झट से क्लिक कर देते हो उस पर, तो वो है उनको भी तो रेगुलेट करो फिर। तो एक डेफिनेशन तो होनी चाहिए ना हेट स्पीच की, एक तो ये बात बोली जा रही है, एक आर्टिकल 19 की बात हो गई, एक एम्प्लॉइज़ की इनकम की बात हो गई। इसके आगे बात करें तो देखो अभी तक बहुत सारे ऐसे एविडेंसेज हैं जिनमें हेट स्पीच को चेक करने के लिए IPC के प्रोविजंस को यूज़ किया जा सकता है और किया भी गया है, जैसे कि सेक्शन 153A ऑफ IPC और सेक्शन 295A ऑफ IPC। इसमें स्टेट एजेंसीज दैट मीन्स सरकारी संस्थाओं के द्वारा डिसेंट को रोकने की कोशिश की गई। इसका मतलब क्या हो गया कि सरकार के खिलाफ में भी अगर अपनी तरफ से कोई नाराज़गी या कोई नेगेटिव स्टेटमेंट दे देगा तो फिर सरकार तो उसको भी हेट स्पीच कंसिडर करके उसको रोक देगी। तो ओवरऑल जो है वो एक बैलेंस की ज़रूरत है, एक्सट्रीमिटी की तरफ जाकर के स्टेट को अथोराइज कर देना कि आप हेट स्पीच को कर्व करो, तो
तो फिर वो स्टेट तो उसका हेट स्पीच की डेफिनेशन कुछ भी तैयार कर सकता है, तो एक प्रॉपर डेफिनेशन भी होनी चाहिए हेट स्पीच की। साथ में ये बता ही दिया कि भाई लेक्चर देने से काम नहीं होगा टीवी चैनल्स को समझा, या होता ना कि जब हेट से ही वो प्रॉफिट कमा सकते हैं तो पावर ऑफ लव भी तो कोई चीज़ होती है ना, उससे भी समझाया जा सकता है और उसी हिसाब से भी गाइडलाइन इशू की जा सकती है। ये पॉइंट्स हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है फ्रीइंग द केज्ड पैरट। ठीक है, इस आर्टिकल को लिखा है यहाँ पर विनीत नरेन जी ने। देखो ये इंडिविजुअल ऐसे हैं, इन्होंने CBI में रिफॉर्म्स के लिए बहुत सालों से मेहनत की और आज भी इसी चीज़ के ऊपर ये काम कर रहे हैं, इनकी एक्सपर्टाइज है ये मान लो, ठीक है ना। क्योंकि 1997 का एक केस था विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया समथिंग केस है, विनीत नारायण केस बोला जाता है, जो इन्हीं के द्वारा फाइल की हुई पिटीशन थी और जिस पे फिर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस इशू की थी कि CBI की कैसे इंडिपेंडेंस इंश्योर की जा सकती है। क्योंकि CBI पे ये हर बार रेगुलेशन या फिर एलिगेशन लगते रहते हैं, रेगुलेशन नहीं एलिगेशन लगते रहते हैं कि जी ये तो केज पैरेट है, हर बार जो है वो गवर्नमेंट अपने हिसाब से उसको यूज़ करती है। तो अभी ये फिर से न्यूज़ में क्यों है? इंडियन एक्सप्रेस में देखो रिपोर्ट रिलीज हो रही है कि CBI कितने केसेस किसके खिलाफ में चला रही है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कैसे काम कर रहा है, तो ये एजेंसीज है ना वो सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करती है। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर से ये अपनी तरफ से ये बात हाईलाइट कर दी कि भाई CBI के लिए जो गाइडलाइंस इशू की हुई थी, जो पहले डायरेक्टिव्स दिए हुए थे, उनको अभी तक भी प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। बोला 30 साल हो गए मेरी पिटीशन को लगाए, 30 साल में अभी तक देखूं तो ना तो CBI, ना DRI, ना इनकम टैक्स एजेंसीज या फिर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात कर लो, ये प्रॉपरली काम करें लगता ही नहीं है। ठीक है, केस यहाँ पर इनका बताया जा रहा है, एक तो था यहाँ पर जैन करके केस, हाँ जैन हवाला केस था जिसमें उन्होंने 1997 से अपनी इस शुरुआत की थी। फिर उसके बाद में पता पड़ा था कि जैन हवाला केस में ये चीज़ भी थी इनकी कि जम्मू कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन जो है उनको भी फंडिंग का एक इशू निकल के आ रहा था, जो कंट्री की सिक्योरिटी से रिलेटेड मुद्दा था, बोलो उस पर एकदम सीरियस जो एक एक्टिविटी एक्शन लेना था वो नहीं हुआ, ट्रांसपेरेंट मैनर में नहीं हुआ। ठीक है, 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से ऑब्जर्वेशन दी अपनी तरफ से, अगेन 1997 का जो वर्डिक्ट था, ठीक है, कौन सा विनीत नारायण केस का, उस जजमेंट को बोला कि भाई हमने इम्प्रूवमेंट के लिए इतनी सी कुछ बातें बोल दी, आप अभी तक भी ठीक काम नहीं कर रहे हो। अच्छा, अब ये विनीत नारायण केस में क्या क्या बातें हुई थी क्या नहीं हुई थी, उसके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि इस आर्टिकल में तो इतनी डिटेल इन्होंने दी नहीं है, ये सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। ठीक है, 1-to-1 ग्राउंड जीरो रियलिटी बता रहे हैं, और ग्राउंड जीरो रियलिटी इतनी वो नहीं हुआ, इतनी शायद काम ना आए अपने। ठीक है, एक्सप्लेन पेज पे कल परसों आर्टिकल आया था, वो हमने डिस्कस कर लिया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ, आप आराम से देख लेना, पूरी डिटेल दी हुई है विनीत नारायण केस के बारे में। ठीक है, कि CBI जो है उसको केस पैरेट बोल रहे हैं, कैसे CBI को काम करने में प्रॉब्लम आती है गवर्नमेंट के अंडर में काम करते टाइम पे, तो इस इशू की हम बात कर चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर राइटर जो है ना वो सीधा टू द पॉइंट ये बताना चाह रहे हैं कि 2013 में जब दोबारा से मैंने ये पिटीशन डाली थी कि जी एनफोर्समेंट डायरेक्टर सॉरी ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं इनकी काम को कैसे हम इंडिपेंडेंट बना सकते हैं, तो मैंने सजेशंस दिए थे पिछली बार भी और अभी मैं वो फिर से हाईलाइट कर रहा हूँ कि कैसे हम इन एजेंसीज की फंक्शनिंग को इंडिपेंडेंट बना सकते हैं, इफेक्टिव बना सकते हैं। तो सजेशंस को देखते हैं हम सीधा, और एक चीज़ और करनी है आपको, जो CVC है CBI है इनके बारे में लक्ष्मीकांत से अच्छे से पढ़ लेना है, ये टॉपिक अच्छे से तैयार हो जाएगा आपका। ठीक है, CBC आजकल क्योंकि CVC आजकल क्या है, इनसे क्वेश्चन सीधे आने लग गए हैं, मेंस में तो सीधा क्वेश्चन आता है। ओके, और स्टैटिक पोर्शन आप कवर कर लोगे तो उससे आप प्रीलिम्स का भी टैकल कर पाओगे। ओके, और अगर सजेशन पूछे इंटरव्यू में कि हाँ भाई आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, तो भाई एक्सपर्ट्स का ये कहना है, 7-8 सजेशन से वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला सजेशन तो राइटर ये देना चाह रहे हैं कि CVC एक्ट को अमेंड करने की ज़रूरत है, और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है उसको 5 से 7 मेंबर की बॉडी बना देना चाहिए। ओके, आज और इसमें काम करने का तरीका एग्जैक्टली वैसे जैसे लोकपाल का है, मतलब लोकपाल को आप CVC में एज इट इज़ इम्प्लीमेंट करो। दूसरे इसी में क्या बताया जा रहा है कि अभी देखा जाए तो CVC मेंबर्स जो हैं उनका अपॉइंटमेंट जनरली IAS, IPS या बैंकिंग सर्विसेज के जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनको लिया जाता है,
तो राइटर ये भी बोल रहे हैं कि ये 5 से 7 मेंबर्स को जो अपॉइंट किया जाए तो ये इनका बेस जो है वो ब्रॉड बेस होना चाहिए। वो कैसे हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के एक जज को अपॉइंट किया जाए एक मेंबर के तौर पे इस, और वो जो जुडिशरी का जो मेंबर अपॉइंट होगा सीवीसी में इन 5-7 मेंबर्स में से, उनको अपॉइंट करने में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कॉलेजियम सिस्टम वाला कॉन्सेप्ट है ना उस पर काम करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 4 सीनियर मोस्ट जजेज जो हैं सुप्रीम कोर्ट के उनके साथ कंसल्ट करेंगे और फिर नाम रिकमेंड कर देंगे, एक बंदा तो ऐसा होना चाहिए। दूसरा होना चाहिए लेजिस्लेटिव डेमोक्रेसी के हिसाब से, ठीक है, उसमें कैसे हैं कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा लोकसभा उनमें से एक इंडिविजुअल को आप सीवीसी का मेंबर बनाओ, और वो इंडिविजुअल कैसे चूज होगा, जो सबसे लंबे समय से एमपी है चाहे राज्यसभा में हो चाहे लोकसभा में हो उस बंदे को आप निकालो। फिर 2 से 3 बंदे ऐसे उठाओ जो कि इंजीनियरिंग एक्सपर्टाइज हो, ठीक है, जैसे कि आपने कई बार सुना होगा कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम हुए थे, कभी आ जाता है 2G स्कैम आ जाता है, ये यूपीए सेकंड गवर्नमेंट के टाइम पे हुआ था 2009 से 2014 के बीच में, ठीक है। इस तरीके के केसेस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक्सपर्टीज की रिक्वायरमेंट होती है, तो इंजीनियरिंग एक्सपर्ट ले लो। इसके अलावा चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्सपर्टीज को ले लो, जो क्योंकि फाइनेंशियल स्कैम आते रहते हैं तो उनको लाने के लिए, तो ऐसे में। और सिलेक्शन प्रोसेस है वो ट्रांसपेरेंट मैनर में होना चाहिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो बोले एक तो ये काम करो कि 5 से 7 मेंबर्स का सीवीसी होना चाहिए, ठीक है। दूसरा सजेशन है कि सीवीसी जो है इसमें एक एडवाइजरी कमेटी भी होनी चाहिए जिसमें कम से कम 11 मेंबर्स बैठे, है ना, और उन 11 मेंबर्स के पास में एक्सपर्टीज होनी चाहिए किसमें, क्रिमिनल इश्यूज में, और इसके अलावा देखें, और वो इंडिविजुअल कैसे होने चाहिए, क्रिमिनोलॉजिस्ट फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट होने चाहिए, ओके। और साथ में आप देखो इन ये क्या फिर बाद में अपना जो प्रोफेशनल इनपुट दे सकते हैं वो दे सकें किसी भी केस को सॉल्व जब करना हो, ठीक है। इसके साथ में बर्डन जो है सीवीसी का वो और भी रिड्यूस किया जा सकता है इस एक्सपर्ट कमेटी के बेनिफिट से, है कि नहीं। मान लो सीवीसी के पास लोड ज़्यादा है तो एक्सपर्ट कमेटी है तो ये हैंडल कर लेगी। तीसरा सजेशन दिया जा रहा है कि जो सीवीसी है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसके अंडर में देखो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ तो आते ही हैं सीधे, इसके अलावा जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं वो भी आते हैं, तो बोले ये तो अनचेंज रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर नॉर्मली अगर देखा जाए तो क्लास सेकंड के जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं या फिर जो लोअर फॉर्मेशन के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनसे रिलेटेड कोई भी इशू आता है ना, कोई करप्शन के चार्जेस से रिलेटेड कुछ भी मान लो, ठीक है, तो वो सीवीसी हैंडल नहीं करती है, वो सीवीसी किसको हैंड ओवर डेलीगेट कर देती है उस इशू को, मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंटल लेवल को, क्या आप अपने हिसाब से देखो ये क्लास सेकंड या इससे लोअर लेवल के जो भी लोग हैं उनको। तो राइटर ये अच्छा इसके ये चीज़ हो गई। और अगर देखा जाए तो क्लास फर्स्ट दैट मीन्स गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करने वाले जो इंडिविजुअल हैं या फिर क्लास फर्स्ट ऑफिसर्स हैं उनके साथ में अगर ये क्लास सेकंड या लोअर लेवल के जो इंडिविजुअल्स हैं वो अगर इन्वॉल्व है तब तो देखो सीवीसी एक्सरसाइज कर लेगा जो भी इन्वेस्टिगेशन करना है नेचुरल ज्यूरिसडिक्शन के हिसाब से, ठीक है। पर इंडिपेंडेंटली अगर क्लास सेकंड या लोअर फॉर्मेशन वाले जो भी एम्प्लॉयज है गवर्नमेंट के अंडर में उनको इन्वेस्टिगेट करना सीवीसी नहीं करता, वो डेलीगेट कर दिया जाता है। तो राइटर क्या बोल रहे हैं कि सीवीसी को कंप्लीट कंट्रोल दे दो कि भाई किस केस को कहां पर कौन इन्वेस्टिगेट करेगा, इवन जो सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट को लेकर के भी आप इंडिपेंडेंस दे दो, जिससे कि वो इजीली उनको लगे कि हाँ जी इन्वेस्टिगेशन होना तो क्लास सेकंड या लोअर फॉर्मेशन के इंडिविजुअल्स के खिलाफ है पर मुद्दा बड़ा सेंसिटिव है और बहुत बड़ा ये इशू है तो उस केस में डिपार्टमेंटल या मिनिस्ट्रियल लेवल पे छोड़ने की जरूरत नहीं है, वहां पर सीवीसी का इन्वॉल्वमेंट अगर हो तो होने दो। और जो सीवीओ जो इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाएंगे जो सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर्स तो उनको भी अपॉइंट करने में सीवीसी को कंप्लीट इंडिपेंडेंस दो जिससे कि वो काम अच्छे से कर पाए। चौथा सजेशन है सीवीसी जो है देखो इनके पास में ऑलरेडी अगर हम देख इनके पास में एक्सपीरियंस टीम होनी चाहिए, ठीक है, और आज देखो कि कंप्लेन जो भी आए उनकी ग्रेविटी को अंडरस्टैंड करें, दैट मींस कोई भी इशू आ गया उस इशू में मान लो कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आ रही है और अगर उस केस को सही से एक इंडिपेंडेंट बॉडी के द्वारा एड्रेस या टैकल नहीं किया जाता है इन्वेस्टिगेट नहीं किया जाता है तो वो प्रॉब्लम आगे बढ़ सकती है। तो इस केस में ऐसे केसेस में जो कि बहुत ज़्यादा हैवी हैंडेड हैं बहुत ज़्यादा बड़े क्राइम के या फिर बहुत ज़्यादा करप्शन वाले केस हैं हैवी करप्शन हो रहा है
तो फिर वो केस जो सीवीसी है वो हैंड ओवर कर देगा किसको, सीबीआई को, कि भाई आप इन्वेस्टिगेट करो इसको, ठीक है। और जैसे ही फिर सीबीआई इन्वेस्टिगेट करके आ जाए तो उसके बाद में सीवीसी जो है वो उस कंप्लेन को असेस करे सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत ना पड़े, इसका मतलब सीवीसी जो है वो गाइडलाइन इशू कर दे सीबीआई को और सीबीआई इन्वेस्टिगेट करके अपनी रिपोर्ट सबमिट करे, तो उसको फिर बाद में सीवीसी जो है वो कंप्लेन के साथ में मैच करते हुए और उसको अंडरस्टैंड करे, और उसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए कि हाँ जी सीबीआई को सीवीसी यूज कर सकता है कि नहीं, इसमें भी इंडिपेंडेंस चाहिए। पांचवा सजेशन राइटर दे रहे हैं कि आप देखो कि सीवीसी को या फिर सीवीसी खुद से कोई केस देखे या सीबीआई को कोई केस हैंडओवर करना है, वो चीज़ें जो हैं वो इंडिपेंडेंटली होनी चाहिए। इसके लिए क्या हो कि ये जो दोनों इंस्टीट्यूशंस हैं इनको फंक्शनली और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इन पर किसी भी गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट का पकड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रोफेशनल सुपरविजन होना चाहिए, कोई भी इन्वेस्टिगेशन हो जैसे सीबीआई कुछ कर रहा है, ठीक है, इन्वेस्टिगेट करने के लिए जा रही है सीबीआई की टीम, तो उस पर पूरी नज़र गड़ा करके रखे सीवीसी कि कहीं वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन में तो पार्शियलिटी नहीं हो रही है। तो ओवरऑल इनके पास में इंडिपेंडेंस होनी चाहिए और सीवीसी जो है वो कंट्रोल करे सीबीआई को, मॉनिटर करे उनकी फंक्शनिंग को। छठा सजेशन देखो, सीबीआई के डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट की हम बात करें, ठीक है, तो उसमें भी ब्रॉड बेस लाने की ज़रूरत है। जैसे हमने बात की ना कि अभी सीवीसी में 5 से 7 मेंबर्स की बॉडी होनी चाहिए सीवीसी, एग्जैक्टली वैसे ही सीबीआई डायरेक्टर भी है ना, उसकी भी अपॉइंटमेंट कोई ज़रूरी नहीं है आईएएस आईपीएस या बैंकिंग सर्विस है इनसे उठाओ आप पिक करो, नहीं, चेरी पिकिंग नहीं होनी चाहिए। आपके पास में बहुत सारा एक कह सकते ना ब्रॉड बेस होना चाहिए, इंजीनियर डॉक्टर कुछ भी, मतलब एक बंदा एक्सपर्ट होना चाहिए, इंजीनियर डॉक्टर तो हटा दो चलो, पर कोई इंजीनियर हो सकता है, कोई और सीए हो सकता है, कि या कोई इंडिविजुअल जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपर्टाइज गेन करके बैठा है, तो ऐसे में चेरी पिकिंग नहीं होनी चाहिए। सीवीसी मेंबर्स की तरह ब्रॉड बेस ही सीबीआई डायरेक्टर का होना चाहिए, ठीक है। और आप ये तो है ही कि सुपरविजन तो सीवीसी का रहेगा। सातवा सजेशन ये दे रहे हैं, एक सिनर्जी होनी चाहिए, एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए एंटी करप्शन लॉ और ग्रीवांस हैंडलिंग इश्यूज के लिए। जैसे कि मान लो कोई भी करप्शन को हैंडल करने के लिए हम अगर केस की अगर एक्ट की बात करें तो हमारे पास में एक्ट अवेलेबल है, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ऑफ 2018, राइट। तो इस एक्ट के अंडर में इन्वेस्टिगेशन अगर होती है, काम किया जाता है, तो वहां पर कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे भी होंगे जो विक्टिम्स हैं, ठीक है। तो एक तरफ तो आप करप्शन के लॉज को इंप्लीमेंट कर रहे हो, दूसरी तरफ इंडिविजुअल्स की प्रॉब्लम को भी आपको हैंडल करना है, तो दोनों के बीच में एक बैलेंस और एक सिनर्जी होनी चाहिए, है ना। जैसे आप खुद देख सकते हो कि करप्शन के चार्जेस जब होते हैं या फिर करप्शन का कोई मुद्दा हाईलाइट होता है, तो वहां पर कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं जो अपनी जान पर खेल करके उन मुद्दों को हाईलाइट कर देते हैं, जिनको हम बोलते हैं विसल ब्लोअर। तो उन विसल ब्लोअर्स का प्रोटेक्शन होना प्रॉपर जरूरी है, ठीक है। और ये चीज भी किसके ज्यूरिस्डिक्शन में आनी चाहिए, सीवीसी के में। क्यों? क्योंकि अगर गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट वहां पर हो जाता है तो राइटर का ये कहना है कि वहां पर हो सकता है विसल ब्लोअर को नुकसान हो, क्योंकि गवर्नमेंट के कुछ ऑफिशियल्स हो सकते हैं, क्योंकि ऊपर से जब तक स्पेस नहीं मिलेगा तब तक नीचे वाले करप्शन करने का मौका नहीं देखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का सिनेरियो जब क्रिएट होता है तो वो सीवीसी के ज्यूरिसडिक्शन में अगर आ जाएगा तो वो एक सेटलमेंट हो, तो सिनर्जी वाली बात आ गई। और आठवां सजेशन है कि एंटी करप्शन लॉज का एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। मतलब ये कि हम जब बोलते हैं कि भाई रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस होनी चाहिए, अब रेस्पॉन्सिबल गवर्नेंस कब आएगी, अच्छा ये तो सीधा का सीधा आपको बताइए, इस संबंधित क्वेश्चन था जीएस पेपर 2 में। देखो गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए कौन कौन से एक्ट्स हैं वो इम्प्लीमेंट किए गए, कौन कौन से केसेज हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट ने डिफरेंट गाइडलाइंस दिए, पहला ही क्वेश्चन ये था, ध्यान से देखना आप उसको, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस जो है इसकी जो बात की जा रही है, तो यहाँ पर एंटी करप्शन लॉज को सही से इंप्लीमेंट करेंगे तब जाकर के सही होगा, और इनका इंप्लीमेंटेशन ग्रास रूट लेवल तक पहुंचना चाहिए, ठीक है। तो स्टेट हो और उसके स्टेट के द्वारा जो बनाई हुई जो एजेंसीज हैं उनके द्वारा एंटी करप्शन एजेंसीज हैं वो सही से काम करें, ठीक है। और मेन बात जो है वो ये, स्टेट का इन्वॉल्वमेंट मिनिमम हो, इंटरफेरेंस को रिड्यूस करने की बात
कर रहे हैं। हाँ, अपॉइंटमेंट की बात है, उस टाइम पर आपको जो लगाना है लगाओ दिमाग, पर अपॉइंटमेंट के लिए फर्स्ट जो सजेशन था वो था ही कि वहां पर भी पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, ब्रॉड बेस अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, 5 से 7 मेंबर्स का CVC होना चाहिए। अब देखो बात ऐसी है, CBI हो, इनकम टैक्स अथॉरिटीज हो, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, ये देखो इनको एजेंसीज को ब्लैकमेलिंग या फिर इंटिमिडेशन के लिए, डराने धमकाने के लिए यूज़ किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। जब कभी भी कोई काम हो, इन्वेस्टिगेशन हो, इन एजेंसीज का यूज़ हो, तो वो नेशनल इंटरेस्ट में होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव मैनर में होना चाहिए, ना कि सब्जेक्टिविटी में। ऑब्जेक्टिविटी क्या कहती है कि भाई आपको इन्वेस्टिगेशन का मतलब एविडेंसेस देखने हैं आपको, ठीक है, और एविडेंसेस आपको मिले कि नहीं, हाँ भाई क्या क्या वहाँ पर आपको सबूत मिल गए, वो आप लेकर क्या और उसके हिसाब से काम करो, ना कि मतलब ओपोजिशन वाले जो लीडर्स हैं उनको डराओ धमकाओ या किसी और इंडिविजुअल को डराओ धमकाओ, वो ठीक नहीं है, ठीक है। तो ये रिफॉर्म्स थे, आपको मैंने बताया, वो काम जरूर कर लेना। नेक्स्ट आर्टिकल है ब्रिंगिंग बीजिंग टू बुक। देखो उपेंद्र बख्शी जी के द्वारा लिखा हुआ आर्टिकल है, वीगर मुस्लिम्स हैं चाइना में, ठीक है, सिंजियांग प्रोविंस में रहते हैं, और इनकी पॉपुलेशन है लगभग 10 मिलियन, दैट मीन्स 1 करोड़ के लगभग इनकी पॉपुलेशन है। आप देखो अभी यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, उनके द्वारा 48 पेजेस की एक रिपोर्ट रिलीज की गई है, और उसमें मुद्दा है ह्यूमन राइट्स का, और उसमें सीधा क्वेश्चन उठाया गया है कि भाई किस तरीके से अलग अलग कंट्रीज़ में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, जिसमें एक फोकस किस पे रहा है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, चाइना पे भी रहा है, क्योंकि वहाँ पर ह्यूमन राइट्स का लगातार वायलेशन हो रहा है। गवर्नमेंट जो है वो काउंटर टेररिज्म का या काउंटर एक्सट्रीमिज्म का नाम लेकर के और अपने ही लोगों को जो वीगर मुस्लिम्स हैं उनको सप्रेस कर रही है, उनको डराना धमकाना, उनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में रखना, उनका माइंडसेट चेंज करना, ये सारे काम हो रहे हैं जो कि हिटलर के टाइम पे हुआ करते थे। खैर इतना एक्सट्रीम तो इस आर्टिकल में पॉइंट नहीं बोले हैं, नहीं तो अब तक तो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाता। पर चाइना जो है वो काउंटर टेररिज्म और काउंटर एक्सट्रीमिज्म का नाम लेकर के वीगर मुस्लिम्स को हमेशा एट्रोसिटीज़ का मतलब हमेशा उनके ऊपर घात करता रह रहा है। तो पॉइंट यहाँ पर क्या आ रहा है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का एक वर्डिक्ट आया बोस्नियन जेनोसाइड पे, तो बोला वो जो वर्डिक्ट है ना वो चाइना के केस में बहुत हद तक एप्लीकेबल होता है, क्योंकि चाइना चाहे कितना ही कुछ करे पर बहुत हद तक अपनी तरफ से कोशिश ये कर रहा है कि वीगर मुस्लिम्स की जो एथनिक क्लिनजिंग है वो हो जाए, या फिर वो चाइना के लिए पूरे प्रॉपर सोचें, क्योंकि देखा जाए तो शिनजियांग प्रोविंस जो है वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। एक बार मैप देखते हैं अपन, अब ये देखो आप यहाँ पर, ठीक है, ये तो खैर हमारा है ही ये वाला मैप पूरा, ओके चलिए इसको करेक्ट करना ज़रूरी है, नहीं क्या कई बार इश्यूज़ आ जाते हैं। ये इलीगली ऑक्यूपाइड बाई पाकिस्तान, इलीगली ऑक्यूपाइड बाई चाइना, सो ये है शिनजियांग प्रोविंस, ये देखो किस किस के साथ बॉर्डर शेयर करता है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, इनके साथ बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो कि इसी एरिया में जो मुस्लिम्स रहते हैं ये इसी एथनिसिटी से एसोसिएटेड है जो कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में रहते हैं, बाकी और कंट्रीज़ के मैप को भी आप अच्छे से देख लेना। तो यहाँ पर चाइना क्या करता है, फैमिली प्लानिंग को दबाव से मतलब फोर्सफुली अप्लाई करता है कि जी आप बच्चे पैदा नहीं करोगे ज़्यादा इस तरीके से, तो बोले एक तरीके से तो एक ये दबाव बनाया जा रहा है, ओके इस तरीके से क्या है, रिप्रोडक्टिव राइट्स हैं वीगर मुस्लिम्स के, उनका वायलेशन होता है, ठीक है, जिससे कि उनकी पॉपुलेशन राइज ना हो और चाइना की सरदर्दी ज़्यादा ना बढ़े। दूसरी तरफ अगर देखें तो वैसे देखा जाए तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल कोर्ट जो है वो 2002 में इस्टेब्लिश हुआ था, ICC की अगर बात करें, इसके पीछे एक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ट्रीटी, रोम ट्रीटी भी बोलते हैं, उस ट्रीटी के अंडर इस्टेब्लिश हुआ था, चाइना उसका मेंबर नहीं है, तो चाइना ये कह करके अपने आप को बचा लेता है कि जी जब हम मेंबर ही नहीं है तो हमारी टेरिटरी में जो कुछ भी हो रहा है, पहली चीज़ तो हम ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं कर रहे, दूसरी चाइना ये कहता है कि भाई वीगर मुस्लिम्स को जो भी हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो हमारा इंटरनल मुद्दा है, तीसरी चीज़ हम ICC के मेंबर नहीं है तो आप हमारे यहाँ पर आकर के, ICC मतलब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ट्रीटी के मेंबर ही नहीं है तो हमें कैसे आप इस तरीके से गाइड कर सकते हो कि आपके यहाँ पर ये जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो रही हैं गलत है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है, तो राइट चाइना जो है वो इस तरीके से ICC के ज्यूरिसडिक्शन से बच जाता है, ठीक है। पर एक चीज़ यहाँ पर एक और देखने वाली बात है कि चाइना और रशिया, देखो यूक्रेन में रशिया ने जब से अटैक किया ना तब से एक इशू उठा था बूचा में
कि वहां पर सिविलियंस को मारा गया रशियन सोल्जर्स के द्वारा, तो उस पर तो इंडिया ने भी कड़ा स्टैंड लिया था कि भाई इसकी तो इंडिपेंडेंट एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि यूक्रेन के बुचा में जो भी सिविलियंस की किलिंग हुई है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है, ठीक है, तो उसमें तो इंडिया ने भी बोला था। पर देखा जाए तो सीरिया में तो सीरियन गवर्नमेंट, असद गवर्नमेंट अभी भी वही काम कर रही है लगातार, अभी भी वहां पर बहुत ज्यादा ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। स्टिल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है वो कोई काम नहीं कर पाती। कारण क्या है इसके पीछे कि चाइना और रशिया वीटो कर देते हैं। पर वहीं पर लीबिया की बात कर लो या दारफुर की बात कर लो, वहां पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ, ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, इसका कोई भी काम हो वहां पर चाइना को, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है रशिया को, तो ये कोई बीच में अड़ंगे नहीं लगाते। तो कुल मिलाकर के ह्यूमन राइट्स का वायलेशन जहां जहां पर भी हो रहा है और उनमें से भी चाइना का जहां पर इंटरेस्ट आ रहा है वहां पर चाइना को इन्वॉल्वमेंट, वहां पर अपना चाइना डेफिनेटली इन्वॉल्वमेंट दिखाता है। वैसे देखा जाए तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा अभी एक आशा की किरण शुरू मिली है, वो ये कि म्यांमार और बांग्लादेश के बीच में जो रोहिंग्या मुस्लिम्स का इश्यू है ना, उसको जब हाईलाइट किया गया आईसीसी में, तो आईसीसी ने ये कह दिया कि बात ऐसी है कि आपके देश में अगर कोई भी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है और आप आईसीसी ट्रीटी के मेंबर नहीं हो तो भी ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम आईसीसी का रहेगा। तो ये चीज़ बांग्लादेश और म्यांमार वाले मुद्दे में हाईलाइट हुई है, क्योंकि आपको पता है ये भी एक तरीके की एथनिक क्लिंजिंग ही थी कि वहाँ पर एक एथनिसिटी के लोगों को भगाया गया वहाँ से, रोहिंग्यास को, जो रहाइन प्रोविंस है म्यांमार की वहाँ से। और ये चीज़ क्या बोल दी, किस में बोला गया, रोम ट्रीटी के आर्टिकल 12 क्लॉज 2 सब क्लॉज ए के अंडर में ये बात बोली है कि भाई आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी में कुछ भी हुआ है आप उसको ये कह के एक्सक्लूड नहीं करा सकते कि वो तो हमारी टेरिटरी है, नहीं, इन्वेस्टिगेशन अगर ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर किया जाएगा। सेम चीज़ जो है वो चाइना इस टूल को यूज़ करता है। चाइना क्या करता है कि आप मतलब चाइना की जो इशू है, चाइना कैसे आईसीसी के एम्बिट में आता है जबकि आईसीसी का मेंबर नहीं है चाइना, इसके पीछे आप देखो रॉडनी डिक्सन, जो इनके द्वारा आईसीसी में जो वीगर मुस्लिम्स का मुद्दा उठाया गया था जिनके द्वारा, उनके द्वारा ये कहा जाता है कि चाइना जो है वो तजिकिस्तान की टेरिटरी में एंटर होता है और वहाँ से जो भी वीगर मुस्लिम्स चाइना को छोड़ करके तजिकिस्तान में आते हैं उनको वापस चाइना में ले जाया जाता है और फिर उनको वहाँ पर टॉर्चर किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे में आईसीसी क्या कहता है कि तजिकिस्तान जो है वो तो भैया आईसीसी का मेंबर है। अब तजिकिस्तान अगर आईसीसी का मेंबर अगर है तो आईसीसी की टेरिटरी है, तो आप कैसे कह, और फिर उसके बाद में आप उन लोगों को ले जा रहे हो चाइना में, इसका मतलब क्या हो गया कि चाइना में अगर इस तरीके की कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही है जिसकी शुरुआत आईसीसी की टेरिटरी से हुई है तो आईसीसी डेफिनेटली वहां पर उसको इन्वेस्टिगेट कर सकता है। और यही चीज यहां पे बांग्लादेश और म्यांमार वाले मुद्दे में हाईलाइट की गई थी कि अगर आईसीसी की टेरिटरी में कहीं पर भी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी होती है और फिर उस क्रिमिनल एक्टिविटी का लिंक किसी दूसरे स्टेट में जाकर के भी बैठता है जो कि आईसीसी का मेंबर नहीं है, तो भी उस क्रिमिनल एक्टिविटी की इन्वेस्टिगेशन, उसके अगेंस्ट में एक्शन लेना आईसीसी के ज्यूरिसडिक्शन में आता है। ये किस में, आर्टिकल 12 क्लॉज 2 रोम ट्रीटी में है। बोलो सेम चीज़ चाइना में भी अप्लाई होती है, क्योंकि तजिकिस्तान की टेरिटरी में आकर के चाइना वीगर्स को पकड़ता है, ले जाता है कहाँ पर, चाइना में, और फिर उनके खिलाफ में क्राइम करता है। तो बोला इस तरीके से ये जो आर्टिकल 12 क्लॉज 2 सब क्लॉज ए है रोम ट्रीटी का, ये अलाउ करता है चाइना के खिलाफ एक्शन लेने को। पर चाइना बार बार क्या कहता है, एक ही चीज कहता है, किर्गिस्तान और चाइना तजिकिस्तान, ये मैंने बताई दिया था, मैं शिनजियांग जहां से बॉर्डर शेयर करता है। तो कुल मिलाकर के बात यही आ रही है कि चाइना के ऊपर सवाल तो जबरदस्त उठने लग गए हैं, चाइना को घेरा भी जा रहा है। और ये देखो पॉइंट इंडिया के हाथ में भी बहुत स्ट्रांग है, चाइना को जब कहते ना कि दुखती नस पे हाथ लगा देना, तो वो वाली दुखती नस है ये वीगर मुस्लिम्स, ठीक है ना, क्योंकि सीधी सी बात है। और इस चीज़ को लेकर के देखो इंडिया हमेशा सवाल भी उठाता है कि भाई जब इस्लाम की बात करो, इस्लाम की प्रोटेक्शन की बात करो, तो चाइना पाकिस्तान के ऊपर भी सवाल उठता है कि भाई वीगर मुस्लिम्स भी तो मुस्लिम्स हैं, उनके कॉज के लिए आप चाइना पे क्वेश्चन क्यों नहीं उठाते, जब आप इतना ही कुछ बीड़ाई उठा रखा आप लोगों ने। तो इस तरीके के सवाल से पाकिस्तान पर भी सवाल उठाता है इंडिया, ठीक है। अब देखो चाइना की तरफ से स्टेटमेंट, देखो यूनाइटेड नेशन में जो शेंजुन करके जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशन में, तो उनका ये ही कहना है कि भाई पहली चीज़ तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता नहीं है हमारे यहाँ पे, और दूसरा वीगर मुस्लिम्स का जो मुद्दा है या जो कुछ भी है वो हमारा इंटरनल मैटर है, आप क्यों बीच में आ रहे हो।
और बोले कि वर्ल्ड में हमारे खिलाफ में कॉन्स्पिरेसी हो रही है, हमारी स्टेबिलिटी और हमारे डेवलपमेंट को रोकने की कोशिशें की जा रही है। पर सवाल ये आ जाता है देखो कि जो कुछ भी हो रहा है ना ह्यूमन राइट्स के वायलेशन को लेकर के, वो बहुत ज़्यादा अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया जैसे कंट्रीज के लिए, पर्टिकुलरली तब जब चाइना वहां पर इन्वॉल्व हो, है कि नहीं? क्योंकि फिर हमारे लिए फिर डेफिनेटली कुछ ना कुछ मुश्किलें चाइना करता रहता है, तो वहां पर चाइना को काउंटर करना, जैसे तिब्बतन गवर्नमेंट जो असाइलम में चल रही है, जैसे वीगर मुस्लिम्स का मुद्दा है, ठीक है, जैसे ताइवान का मुद्दा है, ये कई ऐसे इश्यूज हैं। वैसे ताइवान पे ओपनली इंडिया अभी तक स्टेटमेंट नहीं देता है, पर फिर भी जब ह्यूमन राइट्स का इनकी बात आए या किसी भी सोवरन के ऊपर कोई भी कंट्री अगर दादागिरी लगाने की कोशिश करे, तो इंडिया फिर वहां पर अपनी तरफ से अटेम्प्ट ले सकता है। तो चाइना को बहुत कुछ देखने की बात है कि भाई आगे क्या है, क्योंकि चैलेंजेस देखो सबके घर शीशे के हैं, पता नहीं है ना कौन पत्थर मार दे, वो वाली चीज़ है। ठीक है, डिस्कशन यहीं खत्म है, बाकी जो आर्टिकल्स हम संडे को देख लेंगे।